मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन जवाब में हमें क्या मिलता है? नफरत। जवाब में हमें क्या मिलता है? तासुब। जवाब में हमें क्या मिलता है? वो सब जो जावेद अख्तर साहब लाहौर में करके गए, उनको खुश करने के लिए बातें कर रहे थे। तो आप एक इंतहाई मजलूम इंसान हैं, क्योंकि दो दिन के बाद आप यहाँ से बाहिफाजत तशरीफ ले गए। तो कोई दहशतगर्द ऐसे करता है कि बापू ने मरण बरत क्यों रखा था? तो 1,00,000 अफराद को, सिविलियन लोगों को आपकी आर्मी ने कत्ल कर दिया, बेगुनाह नाजायज उनको मार दिया। 30,000 से जायद खवातीन बेवा हो गई हैं, 1,10,000 के करीब बच्चे यतीम हैं। कुलभूषण यादव को आप भूल गए? कहाँ से आया था वो? भारत से ही आया था। फिर वो सानिया गोदरा तो आप नहीं भूले होंगे, जिसमें ट्रेन में मुसलमानों को सफर करते हुए आग लगा दी गई। ये फरवरी का महीना है, भूले तो नहीं होंगे आप लोग के साथ क्या हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हूँ। आज मैं जावेद अख्तर साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ। जावेद अख्तर साहब ने लाहौर फैज फेस्टिवल में जो कुछ कहा उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने जो बातें की उनका जवाब देना चाहती हूँ और बहुत से सवालात भी उठाना चाहती हूँ। हमारे लोगों ने तो जावेद अख्तर साहब को बहुत मोहब्बत दी, ना सिर्फ जावेद अख्तर साहब बल्कि इससे पहले भी बहुत से आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, फन के कदरदान मौजूद हैं। हम खुलकर तारीफ करते हैं, उनको सराहते हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। जब कोई यहाँ आता है तो हम मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन जवाब में हमें क्या मिलता है? नफरत। जवाब में हमें क्या मिलता है? तासुब। जवाब में हमें क्या मिलता है? वो सब जो जावेद अख्तर साहब लाहौर में करके गए हमारी इतनी मोहब्बत के बाद। अगर आप एक आर्टिस्ट के तौर पर बातें कर रहे थे तो ये तो आपको जेब ही नहीं देता था, आपको प्यार मोहब्बत अम्न की बात करनी चाहिए थी। और अगर आप कहीं ना कहीं अपने भारत माता को खुश करने के लिए, वहां पर जो हिंदू बिरादरी बैठी है, जो हर वक्त मुसलमानों के पीछे लट लेकर पड़ी रहती है, उनका कत्ले आम करती है, उनको खुश करने के लिए बातें कर रहे थे, तो आप एक इंतहाई मजलूम इंसान हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने मुल्क में ही रहने वाले मुसलमानों के साथ वो क्या सलूक करते हैं। सुपरस्टार्स तक को मारने की धमकियां दी जाती हैं, मुल्क बदर करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। जावेद अख्तर साहब, सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप जिस हॉल में मौजूद थे वहां पर जो कुछ आपने कहा लोगों ने बड़ी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुना, ये हमारी मेहमान नवाजी थी। उसके बावजूद आपको मोहब्बत दी, उसके बावजूद आप पाकिस्तान में मौजूद रहे, दो दिन के बाद आप यहां से बाहिफाजत तशरीफ ले गए। तो कोई दहशतगर्द ऐसे करता है? हम तो मोहब्बत करने वाले, अमन का पैगाम देने वाले, आप क्या करते हैं? जरा आईना आपको दिखाते हैं, और आज से नहीं 1947 से शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके बापू ने मरण बरत क्यों रखा था? भूल गए होंगे आप, याददाश्त कमजोर हो गई होगी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो तभी से आपने साजिशें शुरू कर दी थी, ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उससे पहले से शुरू कर दी थी। गांधी साहब ने मरण व्रत इसलिए रखा था कि आप लोगों ने पाकिस्तान के पैसे रोक लिए थे, आप पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मरण व्रत रखा कि पाकिस्तान को उनके पैसे दे दें, वो आपसे अलग हो गए हैं, कुछ खौफ करें। तो ये कहानी है, अगर आपके इस दिमागों में नहीं है तो आप ताजा हो जाएगी। हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन का निजाम खानदान बहुत ही मशहूर और मारूफ खानदान है। उस वक्त अगर हम बात करें तो जितने बिल गेट्स के पास पैसे हैं आज के दौर में, उस वक्त उनके पास उससे ज्यादा थे, वो भी आपने हथियार लिए। जूनागढ़ रियासत पर आपने नाजायज कब्जा कर लिया, जहांगीर खान ने यह ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान से इल्हाक करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। तो आपकी नीयत तो शुरू दिन से खराब थी, ये सब कुछ तो आप करते आए। कश्मीर की बात कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें तो 1,00,000 अफराद को, सिविलियन लोगों को आपकी आर्मी ने कत्ल कर दिया, बेगुनाह नाजायज उनको मार दिया। 30,000 से जायद खवातीन बेवा हो गई हैं, 1,10,000 के करीब बच्चे यतीम हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब जब इस पर आपकी याददाश्त को झिझोड़ा जाता है आपके पास कोई जवाब नहीं होते। आप अम्न की बात करते हैं, जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया, और वो शख्स गुजरात का कसाई जिन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया था आपके वजीर आजम बन बैठे हैं, कहां आप अम्न की बात करते हैं। कुलभूषण यादव को आप भूल गए? कहां से आया था वो? भारत से ही आया था, और अभी भी पता नहीं कितने वहां से लोग आके यहां छुप के बैठे हैं। सरहदों पर हमारे नौजवान तो मौजूद हैं आपकी तरफ से जो भी चीजें होती हैं उसका करारा जवाब देने के लिए, जो आप भुगत भी चुके हैं। अभिनंदन साहब आए थे यहां पर, तशरीफ ले आए थे कि मुसलमानों का नुकसान करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, हुआ कुछ नहीं, पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद इतनी सुबकी हुई और अम्न का पैगाम हमने ये दिया कि सही सलामत आपको वापस भेज दिया। हमारे तो कोई गलती से उस पार चला जाए तो आप उसको पूरी उम्र कैद रखते हैं, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देते हैं, कभी कभी तो हमें वो लोग मिलते भी नहीं, वो गए कहां। आप लोग बातें करेंगे अम्न की, आप लोग कहेंगे कि आप लोग दहशतगर्द हैं, कुछ थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए।
और जाहिर है हम समझते हैं आप तमाम लोग बड़े मजबूर भी हैं, आपको उसी मुल्क में रहना है, आपको उसी मुल्क में जाना है, वहां पर जवाब भी देना है और ये प्रूव करना है कि आप अपनी भारत माता से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए अपनी ही मुसलमान बहनों भाइयों के खिलाफ आप दिल खोल के बात कीजिए, लेकिन हम लोग अमन की ही बात करेंगे। हम फिर वो सानिया गोदरा तो आप नहीं भूले होंगे जिसमें ट्रेन में मुसलमानों को सफर करते हुए आग लगा दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे तो मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ किया था वो किसी बाहर से आने वाले ने नहीं किया था, वो आपने किया था, भारतीयों ने किया था। जो कुछ किया श्रीलंका में आपने क्या किया, लोग आपसे नफरत करते हैं, आपका नाम सुनना पसंद नहीं करते, जहां जहां आपका बॉर्डर लगता है सब एक खौफ में मुब्तला रहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। और आपकी आर्मी का हाल तो तमाम लोग जानते ही हैं कि वो आर्मी बस नाम की आर्मी है, जब कहीं उससे काम पड़ता है तो उससे कुछ बन नहीं पड़ता। तो जावेद अख्तर साहब, यहां से हमने आपको मोहब्बत का पैगाम देके भेजा, अमन का पैगाम देके भेजा, आपको बड़ी शान शौकत से रुखसत किया। और मैं यही कहूंगी कि शायद हमारी ही गलती है जो हम हर बार मोहब्बत से आपसे बात करते हैं, आपके लोगों को सराहते हैं, उनको यहाँ आने का मौका देते हैं। आप तो हमारे लोगों के साथ ये करते हैं कि जो काम की गर्ज से भी वहां गए हों उनको निकाल बाहर करते हैं। आपको तो उनके फन पर भी एतराज होता है, आपको तो हमारे पाकिस्तान के वजूद पर एतराज है। आपके जितने तमाम वहां पर बैठे हुए हैं लोग, बड़े बड़े आला लोग हैं जनाब, जो आपके वज़रा आज़म भी रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियां भी हैं, उनको तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से एतराज है। तो आप ये एतराज करते रहें, हम अपने तरीके से जीते रहेंगे, हम पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, जो आप आंख भी उठाकर देखेंगे ना तो बाल भी बीका नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जो आप इससे पहले भी जवाब हासिल कर चुके हैं। अभी ये फरवरी का महीना है, भूले तो नहीं होंगे आप लोग के साथ क्या हुआ। तो आइंदा भी जरा ख्याल से आइएगा, कभी कोई आप शरारत करते रहते हैं, कभी कोई साजिश करते रहते हैं, तो इसका कल को आपको ज्यादा ही ना भुगतना पड़े, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारा खून तो खौल रहा है, हमें बुरा तो बहुत लग रहा है जो बातें आपने कही। आपके लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वो कंगना रनावत साहिबा हैं जिनको आप ही के लोग बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, अब कह रही हैं जी घर में घुस के मारा। तो ये यहां से अगर ऐसा होता तो आप जा ही नहीं पाते, और शायद आपको बुलाना गलती था, और शायद इस तरह के लोगों को बुलाना नहीं चाहिए और इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। ये हमारे लोगों का ही बड़ापन है कि फिर भी प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। तो बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो थोड़े से पॉइंट्स मैंने आपको बताए इससे आपकी याददाश्त ताज़ा हो गई होगी, आपको याद आ गया होगा कि असल में दहशत कौन फैलाता है, असल में दहशतगर्द कौन है, उनको पालता पोसता कौन है, और इधर उधर से जो साजिश की जाती है, बैरूनी अनासिर हमारे मुल्क में आके तबाहियां मचाते हैं, उसके पीछे कौन है। तो अपने गिरेबान में झांक लें किसी को बात करने से पहले। और हमारा प्यारा पाकिस्तान हमारी शान है, आन है, मान है, कोई उसके बारे में बात करें आँख उठाकर देखें ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम मौकों पर हम एक हैं, हम तमाम पाकिस्तानी, और हमारा पैगाम मोहब्बत है, लेकिन हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, यही है आज का पैगाम। और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।